आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का पांचवा मंत्र पढ़ा गया। ब्रह्मचारी की महिमा बताई जा रही है। पिछले भी चार मंत्रों में यही चर्चा चलती रही, आज भी वैसी ही है। आज के मंत्र में बताया है, पूर्वो जातो ब्राह्मणो ब्रह्मचारी। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो पहले ब्राह्मणों, परमात्मा से, ब्रह्म से, ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ईश्वर भी है, वेद भी है, ज्ञान भी है और महान भी है, बहुत सारे अर्थ हैं। तो एक परमात्मा अर्थ भी है। तो ब्राह्मणों, ब्रह्म से, परमात्मा से, पूर्व ब्रह्मचारी जाता, पहले ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ। सृष्टि के आरंभ में जितने भी मनुष्य ईश्वर ने बनाए, पहले वो सारे ब्रह्मचारी थे। मनुष्य जीवन का जो सबसे पहला भाग है वो है ब्रह्मचर्याश्रम, इसलिए प्रारंभ तो वहीं से होता है। तो ब्रह्मचारी बनाए ईश्वर ने, चार तो ऋषि हुए जिनके नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इस तरह से हम सुनते आ रहे हैं। ये चार ऋषि थे, ये तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, इन्होंने तो विवाह किया नहीं, क्योंकि इनके पूर्व जन्मों के संस्कार बहुत तीव्र थे, वैराग्य के, समाधि के, मोक्ष के। ये तो बिल्कुल नजदीक बैठे थे मोक्ष के, बस एक छलांग मारनी बाकी थी, इतना ही काम अटका हुआ था। तो वो योग्यता में सबसे ऊंचे थे, इसलिए ईश्वर ने चार वेदों का ज्ञान उन चार ऋषियों को दिया सृष्टि के आरंभ में। तो जिसका इतना पूर्व सृष्टि के जो कर्म बचे हुए थे, जिनके संस्कार भी अच्छे थे, तो वो तो इतनी ऊंची योग्यता वाले थे, वो विवाह नहीं करेंगे, वो तो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, तपस्या करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, प्रचार करेंगे, उसका तो वही काम। तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ईश्वर ने उन ब्रह्मचारियों को उत्पन्न किया और उन चार ऋषियों के साथ साथ और भी बहुत सारे मनुष्य बनाए, पशु, पशु पक्षी भी सब बनाए, प्राणी सब बनाए। सब प्राणियों को उत्पन्न करके अंत में मनुष्य को उत्पन्न किया, मनुष्य सबसे अंत में। और ऐसे कोई प्रमाण तो लिखा हुआ नहीं मिला, फिर भी हम कल्पना करते हैं, मोटा अनुमान करते हैं, भाई 1500 मनुष्य तो और भी बनाए होंगे, उसमें आधे पुरुष आधी स्त्रियां, मान लो 400-500 पुरुष बना दिए, 400-500 स्त्रियां और चार ऋषि, इतनी संख्या में उत्पन्न किया होगा। क्योंकि ये चार ऋषि फिर उन बाकी मनुष्यों को पढ़ाएंगे, तो अगर हजारों पैदा हो जाए तो सबको पढ़ा नहीं पाएंगे, तो ईश्वर तो बुद्धिमान है, इसलिए उतना ही सोच समझ के काम करेगा जितना हो जाए। तो ऐसा मान सकते हैं संभावना में 200-400-500 हजार, बस इससे ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। तो 1500 मनुष्य बनाए, आधे पुरुष बनाए, आधी स्त्रियां बनाई, और वो सब जवान पैदा किए, जैसे आप अच्छी तरह से खाना पीना, दौड़ना, भागना, सारे काम करने में समर्थ हैं, ऐसे जवान इस शक्ति वाले, इतनी शक्ति वाले पैदा किए। अगर छोटे बच्चे पैदा करता तो उनको पालेगा कौन, माता पिता तो है नहीं, तो वो वैसे ही मर जाएंगे। इसलिए ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में छोटे बच्चे पैदा नहीं किए और बूढ़े भी पैदा नहीं किए। बूढ़ा तो बेचारा खुद ही दूसरों की सेवा चाहता है, वो क्या दुनिया चलाएगा, वो संसार को चला नहीं पाएंगे। संसार को चलाने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति होती है युवक में, इसलिए ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में युवक युवतियां उत्पन्न किए। तो वो जब जीवन का पहला ही भाग था तो ब्रह्मचारी थे। जब तक ईश्वर चार वेदों का ज्ञान चार ऋषियों को नहीं देगा,
तब तक वो बाकी जो मनुष्य थे 200 400 500 हजार जो भी थे, तो वो तो ऐसे बच्चे की तरह थे, पशुओं जैसे ही थे। उनको भी ईश्वर ने जन्म से इतना तो सिखा दिया था क्या खाना और क्या नहीं खाना, जैसे आज भी पशुओं को ईश्वर जन्म से सिखा के भेजता है। तो पशुओं जितना ज्ञान उनको भी दिया ईश्वर ने जन्म से, भाई ये फल है, ये फूल है, ये सब्जियां हैं, ये टमाटर है, ये ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ककड़ी है, खीरा है, ये खा लेना, भूख लगे तो खा लेना, और ये जहर है ये मत खाना। जैसे पशुओं को पता है, गाय को पता है मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना, कुत्ते को पता है, इन सब प्राणियों को ईश्वर ने सिखा कर भेजा। ऐसे उन सब मनुष्यों को जो सामान्य मनुष्य थे उनको भी इतना सिखा कर भेजा, ये संतरा है, केला है, तरबूज है, आम है, ये खा लेना, और ये सामने नदी है, इसमें गर्मी लगे तो नहा लेना, प्यास लगे पानी पी लेना, जैसे पशु पीते हैं ऐसे पशुओं की तरह वो चलते रहे। इतना ज्ञान ईश्वर ने उनको दे दिया, और 2 साल 4 साल 5 साल 7 जितना भी लगा होगा कुछ समय, उतने समय में ईश्वर ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। तब तक वो पशुओं की तरह खाया पिया सो गए खेले कूदे, बस पता कुछ नहीं, ये पुरुष है ये स्त्री है ये कुछ नहीं, ये जानकारी नहीं थी। तो ऐसे ही वो खाए पिए खेले कूदे सो गए। जब ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान पूरा दे दिया 4 ऋषियों को, फिर उनको ड्यूटी लगा दी ऋषियों की, भाई अब इनको पढ़ाओ। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल लगाना शुरू किया, चलो भाई बैठो अब आपको हम पढ़ाएंगे। तो फिर उनको सबको वेदों का ज्ञान दिया, और 20-25 साल ऐसे कुछ पढ़ाया होगा। फिर जब वो पढ़ लिख के विद्वान हो गए बाकी मनुष्य, फिर उनके गुणकर्म स्वभाव मिला करके उनके शादियां कराई, विवाह कराए, फिर उनको बताया कि गृहस्थी ऐसे चलानी, वो सब वेदों में ज्ञान में बता दिया, ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे माता पिता के साथ, ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे सारे काम उन्होंने बताए उनको। तो सबसे पहले तो ब्रह्मचारी पैदा हुआ। तो मंत्र में कह रहे हैं ब्रह्मणो ब्रह्मचारी पूर्वो जाता, परमात्मा से पहले ब्रह्मचारी उत्पन्न हुए। जीवन का पहला भाग ब्रह्मचर्य आश्रम है। फिर उसके बाद घर्मम वसाना तपसा उदतिष्ठ, फिर वो जो ब्रह्मचारी है उसने तपस्या की। तो सभी मंत्रों में ये तपस्या की तपस्या की, तप से ऊपर उठता है, ये सारी बात वही व्यवहार दोहराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब तपस्या का बहुत मूल्य है, तपस्या से ही व्यक्ति की उन्नति होती है, तपस्या से घबराना नहीं चाहिए। कष्ट तो आएगा ही, संसार में जन्म लिए हैं तो बस जन्म लिया है तो दुख आएगा, वो तो नियम है, बता रखा है ईश्वर ने वेद में, और ऋषियों ने भी खूब समझाया शास्त्रों में, विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति, न्याय दर्शन का ये सूत्र है। महर्षि गौतम जी ने कहा कि बस संसार में जन्म लेना ही दुख का कारण है, बल्कि उन्होंने तो कह दिया दुख ही है, दुखम एव जन्मोत्पत्ति, जन्म होना मतलब दुख शुरू। तो जब आए हैं जन्म लिया है तो फिर सारी तपस्या तो करनी पड़ेगी, पढ़ना लिखना खाना पीना खेलना कूदना व्यायाम करना सब काम करना ही पड़ेगा, इसमें मेहनत होती है। तो ब्रह्मचारी ने तपस्या की और घर्मम वसाना, फिर उसने तेज को धारण किया। घर्म तेज को कहते हैं, जैसे अग्नि में गर्मी होती है तेज होता है प्रकाश होता है, ऐसे ब्रह्मचारी ने जब तपस्या की तो वो भी तेजस्वी हो गया, बलवान हो गया, बुद्धिमान हो गया, प्रभावशाली हो गया, अनेक गुणों को धारण किया। ये सब तपस्या से होगा। तो जो तपस्या करेगा वो तेज को धारण करेगा, तेजस्वी बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, परोपकारी बनेगा, सदाचारी बनेगा, चरित्रवान बनेगा। फिर उसके अंदर जब ये गुण आ जाएंगे फिर क्या करेगा, तस्मात् जातम ब्राह्मणम, फिर उस ब्रह्मचारी से अब ब्रह्म उत्पन्न होगा, ब्रह्म ज्येष्ठम। पहले परमात्मा ने ब्रह्मचारी को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मचारी ने गुरुजनों से जो वेद की विद्या पढ़ी तपस्या की उससे वो बलवान विद्वान बुद्धिमान तेजस्वी हो गया। अब तेजस्वी बनकर उसने संसार में वेदों का प्रचार शुरू किया। तो जब उसने प्रचार शुरू किया तो ब्रह्म का नाम अभी बताया था, वेद भी है ज्ञान भी है,
तो उसने जब लोगों को ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान उत्पन्न हुआ लोगों के अंदर, वेदों का ज्ञान उत्पन्न हुआ। किसने किया? उस ब्रह्मचारी ने। जिस ब्रह्मचारी को पहले ईश्वर ने पैदा किया, उस ब्रह्मचारी ने तपस्या की, साधना की, ब्रह्म को धारण किया, समाधि लगाई, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त किया, गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया और वो ब्राह्मण बन गया। अब ब्राह्मण बनकर उस ब्राह्मण से फिर जनता में वेद का ज्ञान उसने उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से उससे ज्येष्ठम ब्रह्म, ज्येष्ठ ब्रह्म, महान ब्रह्म लोगों में उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ वेदों का। और देवाश्च सर्वे, और इसी तपस्या से, वेदों से वो सारे देवता भी उत्पन्न हुए, देवता बन गए, मनुष्य लोग भी देवता बन गए, पुरुषार्थ करके, ज्ञान को धारण करके, उत्तम आचरण को धारण करके, वो सारे मनुष्य भी जो जो ब्रह्मचारी थे वो सब देवता बन गए। और अमृत नसाकम, और अमृत के साथ वो युक्त हो गए, उनके पास अमृत आ गया। अमृत तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान से उसको मोक्ष मिलता है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी है वो तपस्वी होता है, उसको तपस्या करनी चाहिए, कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि मैं विद्वान बनूंगा, ब्राह्मण बनूंगा, तेजस्वी बनूंगा, ईश्वर तक पहुंचूंगा, मेरा नाम ही ब्रह्मचारी, ब्रह्म में मुझे विचरण करना, मेरे जीवन का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति है, मुझे ईश्वर तक अनुभूति करनी है, समाधि लगानी है। और फिर इतना संकल्प करके फिर जब वो मेहनत करता है तो उसको फिर कठिनाई कम होती। जब व्यक्ति अपने अंदर कोई लक्ष्य बना लेता है, कोई इच्छा बना लेता है कि बस मुझे ये काम करना, संकल्प कर लेता है, फिर वो पुरुषार्थ करता है, जम के करता है, और उसको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जो उसने लक्ष्य बनाया था। तो आज के मंत्र में ये बातें बताई गई। इस प्रकार से ब्रह्मचारी तपस्वी बनता है और अपना भी कल्याण करता है, देश दुनिया का भी उपकार करता है, और वो ब्रह्म का प्रचार करता है, वेदों का प्रचार करता है, संसार में सत्य की रक्षा करता है, सत्य की स्थापना करता है, लोगों की भ्रांतियों को, संशयों को दूर करता है। इस प्रकार से ब्रह्मचारी होता है, ऐसा हमको भी बनना चाहिए।